अगर गाइस आपको भी व्हाट्सएप एप्लीकेशन में ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को फुल वॉच करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमको सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। गूगल ड्राइव बैकअप आप देख सकते हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं फिर भी यही सेम प्रॉब्लम रहता है। हम यहाँ से कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, यही पॉपअप खुल के आ जाता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हर यूज़र को फेस करना पड़ता है। दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी चैट है, जो डाटा है, जो आपने मैसेज किया है तो उसका बैकअप चाहिए, तो कितने टाइम का चाहिए, आपका जो बैकअप है वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये आपसे ये पूछ रहा है। अगर आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं एंड दोबारा से इंस्टॉल करते हैं तो आपका बैकअप इजीली रिकवर हो जाएगा। दोस्तों अगर नहीं चाहते आप बैकअप तो आपको नेवर पे सिलेक्ट करके इजीली डन करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों आप बैकअप चाहते हो तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, मंथली पे सिलेक्ट कर देते हैं एंड जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने ईमेल आईडी खुल के आ जाएगा। जिस भी ईमेल आईडी पे चाहिए आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लिया है एंड आपका गूगल ड्राइव से जो बैकअप है वो कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप इजीली इसका बैकअप आप नीचे से अलाउ कर देना। जैसे ही अलाउ पे क्लिक करेंगे हमारा जो बैकअप है इजीली रिकवर हो जाएगा। आपको डन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जब भी आप अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डिलीट करेंगे एंड दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो आपका बैकअप इजीली रिकवर हो जाएगा। जब भी आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करोगे तो आपका जो डाटा है वो बैकअप आ जाएगा। बहुत से फ्रेंड डर जाते हैं इस प्रॉब्लम से। कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये आपसे बैकअप की परमिशन मांग रहा था। तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड डेली वाइज नॉलेजफुल वीडियो देखने को मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।